हाय डियर फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ आई सेक्शन। आई हैव गिवन क्वेश्चंस हियर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शंस हैविंग टॉप एंड बॉटम फ्लेंज 100 mm इनटू 15 mm एंड वेव साइज इज 250 mm एंड 10 mm। ये इज फिगर आई सेक्शन। ओके, आई सेक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज फ्लैंज एंड वेव। यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो पोर्शन आपका दिख रहा है, ये इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन आपका दिख रहा है, ये फ्लैंज है एंड दिस इज आल्सो फ्लैंज। ओके, इसे फ्लैंज बोला जाता है। जी, ये टॉप फ्लैंज है, दिस इज अ बॉटम फ्लैंज, और ये इसके बीच का जो पॉइंट दिया हुआ पार्ट, ये होता है वेव। ओके, टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज दोनों की साइज सेम दी हुई है। कितना दिया हुआ, 100 mm इनटू 15 mm। यहाँ पे लिख लेंगे, देखो ये 100 mm का है, ये 15 mm है। ओके, समझ में आ गया, ये भी ये 100 mm है एंड दिस इज द 15 mm। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है, वेव है, जिसका डायमेंशन क्या है, 250 mm इनटू 10। तो ये आपका 250 mm हो गया एंड दिस डायमेंशन इज 10 mm, ठीक है, ये 10 mm इस प्रकार से दिया है। तो सबसे फर्स्ट वर्क हमारा होता है किसका, सीजी फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सीजी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये रेफरेंस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। यहाँ से एक्स बार मिलता है और यहाँ से क्या मिलता है, y बार फाइंड आउट हो जाता है। ओके, बट ये जो सेक्शन आई सेक्शन है, देखो फ्लेंज बोथ टॉप एंड बॉटम फ्लेंज बोथ आर सेम डायमेंशन, वेव इज वन, ठीक है। तो यहां पर क्या करना पड़ता है कि आपके पास जो दिया हुआ है, ये फ्लेंज इक्वल है, तो इक्वली पार्ट में हमें डिवाइड भी पता चल जा रहा है और इसका जो डायमेंशन है वो भी हमें पता चल जा रहा है। तो ऐसा जब सिचुएशन आता है तो उस सेक्शन को बोला जाता है सिमेट्रिकल। अब जिस एक्सिस से मुझे मिला, एक्स एक्सिस से मिला, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। वाई से भी मुझे पता चल जा रहा है, वाई से भी इक्वली डिवाइड हो रहा है और टोटल डायमेंशन में से हाफ कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा। तो दोनों सेक्शन से ये क्या है, सिमेट्रिकल है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस सेक्शन इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, this section is symmetrical about both axes, so therefore x bar is a, directly हम find out कर सकते हैं, x bar मतलब total, total कितना है, 100, 100 का half, 50 mm आ गया, and y bar is also calculate, total कितना है, total देखो 15 and 15, 30, 30 and 250, कितना हो गया, 280, 280 का अगर हम half करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 140, 140 mm मिल गई, यहाँ से ये 140 mm मिल गया और यहाँ से ये x बार कितना मिल गया, 50 mm मिल गया, ठीक है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इसका IXX and IYY कितना होगा, ठीक है, IXX and IYY कितना होगा। यहाँ पे मैं समझाते जा रहा हूँ, ठीक है, मेरा बोर्ड इतना बड़ा नहीं है कि मैं दोनों पॉइंट को समझा सकूं, तो एक को समझाएंगे और आपको दूसरा इसको रफ करके समझाएंगे, ठीक है। तो आई एक्सेस फाइंड आउट करना है, अगर आई एक्सेस फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे देखो तीन पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक टॉप फ्लेंज, दिस इज द वेव एंड दिस इज द बॉटम फ्लेंज। तो यहाँ पर ये पार्ट वन ले लो, ये पार्ट टू ले लिया, ये पार्ट थ्री ले लिया, ओके, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। तो आई एक्सेस फाइंड आउट करना है तो सभी के अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्सेस टू, IXX3, तीनों पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उनका सम कर देंगे तो टोटल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया XX अबाउट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। XX अबाउट, XX के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सेक्शन का फाइंड आउट करना है तो मुझे सभी के सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे ये पॉइंट भी चाहिए, ये भी चाहिए, इसकी वैल्यू, ये तीनों की वैल्यू मिल जाती है तो ऐड कर देंगे तो मुझे इस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूंगा,
IXX1, ठीक है। तो IXX1 फाइंड आउट कर रहा हूं, तो मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस पार्ट की बात कर रहा हूं, और XX के अबाउट में मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला होता है वो लिख लो, IG1 होता है प्लस A1H1 स्क्वायर, ठीक है। IG1 इस सेक्शन के लिए BDQ/12, बी ये है और डी ये है, बी एंड डी ये, तो BDQ/12, तो B कितना है 100 इंटू डी कितना है 15 का क्यू अपॉन 12, ये IG1 हो गया। प्लस एरिया A1 कितना होगा 100 इंटू 15, रेक्टेंगुलर शेप में अगर है तो उसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो 100 इंटू 15 हो जाएगा, यहाँ पे 100 इंटू 15 एरिया हो गया। एंड H, देखो H बहुत ही सिंपल तरीका है, H इट मींस इसका हाफ से और ये सेंट्रोइड जो फाइंड आउट किया गया इनके बीच का डिस्टेंस ही होता है H1, समझ में आ गया। ये जो हमारा X एक्सिस है, क्योंकि हम X एक्सिस के अबाउट में इसका फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये हमारा X एक्सिस है, इसके ये जो CG से पास होता हुआ है इससे और इसके हाफ के बीच के डिस्टेंस, ये जो बीच के आ रहे हैं वो H होता है। तो यहाँ पे देखो ये हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक बोलो जो यहाँ से यहाँ तक पता है मुझे y/140 है, और इनका हाफ यहाँ से ये 75 माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एच, क्योंकि ये ही डिस्टेंस मेरा क्या है h1 है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये 7.5 है, और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 140 है। सिंपल एक तरीके से ये भी बोलोगे कि जब अगर मैं इस सेक्शन के लिए y1 निकालता तो कितना आता, y1 मेरा कितना आता, y1 यहाँ से और इसके तक मिलता, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता था, y1 - y1 करते, लेकिन सिंपल यहाँ पे वो फाइंड आउट y1 फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, यहाँ से यहाँ तक आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ये जो सेक्शन है उसके हाफ से ये जो आपका है इसके बीच का डिस्टेंस h होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 140 है, इसमें से 7.5 माइनस कर दो, 140 माइनस 7.5, और ये क्या है स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल तरीका है, सबसे पहले इसको माइनस करो, 140 माइनस 7.5 जो वैल्यू आ रही है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हुआ फिर ये मल्टीप्लीकेशन कर दो, मल्टीप्लीकेशन 100 इंटू 15, 100 इंटू 15 इक्वल करो, मिल गया ये वैल्यू, फिर ये जो मिल जाता है वो यहाँ पे लिख लो, कि ताकि वैसे तो एक ही बार में कर सकते हैं लेकिन लिख लो कितना आ रहा है। ये वैल्यू मेरा आ रहा है 26 93 4375, ये वैल्यू आया, ठीक है, ये इतनी वैल्यू आई है 75 तक। फिर इसका कर लेंगे, इसका अलग कर लो, कितना आ रहा है 100 इंटू 15 क्यूब इक्वल, फिर डिवाइड 12 करेंगे, वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 28125, प्लस करके ये वैल्यू लिख दो, प्लस 26 33 43 75 इक्वल कर देंगे, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जा रही है 26 36 25 00, ठीक है, इतना mm^4 होगा, ठीक है। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 करके 26.36 भी मैं कर सकता हूँ (10^6 mm^4) आ गया, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई IXX का। और यहाँ से अगर देखा जाए कि अगर मैं IXX3 भी फाइंड आउट करूँ तो सेम ही होगा, इसका भी देखो 100 इंटू 15 क्यू/12 ही होगा, A1 एरिया 100 इंटू 15 होगा, H भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम ही होगा, तो इसकी भी वैल्यू वही आएगी IXX1 और IXX3 इक्वल है 26.36 × 10^6 mm^4। अब मुझे क्या चाहिए, IXX2 चाहिए इस सैंपल के लिए, ठीक है। ये जो आपका पार्ट दिख रहा है इसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या फॉर्मूला है वही लिखेंगे, IG2 प्लस A2H2 स्क्वायर। तो IG2 मतलब BDQ/12, तो B कितना है 10 है, 10 दिया है 10 इंटू डेप्थ कितना है 250 का क्यू अपॉन 12, प्लस एरिया कितना है 10 इंटू 250, और H कितना होगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है H कितना होगा, देखो इसका हाफ
और ये जो है इनके बीच का, देखो इसका हाफ भी इसी पर आएगा और ये भी यहीं पर, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। यहाँ पे जीरो, ये जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ये इतना जीरो हो गया, सिर्फ इतना बच जाता है। इनका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाता है, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, 10 × 250 cube = 12 कर देंगे, इक्वल कितना आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कितना आया है 1302083.33। देखो 1 2 3 4 5 6 13.02 × 10^6 mm^4। ये मिल गया आपको, ये मिल गया तो डायरेक्टली हम क्या लिख लेंगे, IXX = IXX1 + IXX2 + IXX3। ठीक है, देखो इसमें भी 10^6, ये 3 वाले में भी 10^6 और 1 वाले में भी 10^6, ये तो कॉमन हो गया। आगे के जो वैल्यू है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कितना है 26.36 + 26.36 + ये कितना है 13.02, इतना ऐड किया कितना आ रहा है 65.74 × 10^6 mm^4, ये मेरा IXX आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। सेम इसी तरह से मुझे IYY भी फाइंड आउट करना है, बट वे आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसको फाइंड आउट करना है। ये जितना भी आपको मैं दिखा रहा हूँ इसे आपने अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख ले कि ताकि आपको ये इजीली तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद मैं अबाउट वाई वाई एक्सिस, ये जो आपका एक्सिस दिख रहा है ये एक्सिस वाई 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 एक्सिस, इसके अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा और ये क्यों फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट होता है ये भी समझ लें। इससे ये पता चलता है कि मैं किस टाइप का सेक्शन प्रोवाइड करूं जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलना इसका मतलब होता है कि उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होना, वो कितने ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी कर सकता है। मतलब जिस सेक्शन से मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलता है उस टाइप के सेक्शन मुझे प्रोवाइड करना चाहिए कि ताकि वो बेटर रहे ज्यादा से ज्यादा। देखो यहाँ पे इतना आया, अब मैं आई वाई वाई सेक्शन जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन से मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो रहा है। जो सेक्शन से मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो रहा है इससे हम डिसाइड कर देंगे कि ये सेक्शन प्रोवाइड करने से मुझे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी मिलेगी, ज्यादा वो लोड कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ये इतना आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आई वाई वाई एक्सिस आपको बताऊंगा, ये जितना बताया उतना देख लो एक बार, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को रिपीट कर लेना लिखने के बाद ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ और आई वाई वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं फाइंड आउट करके बता रहा हूँ, और वो आई वाई वाई एक्सिस तो और इजी है, कैसे करेंगे देखिए, बहुत इजी है। आई वाई वाई एक्सिस का मतलब होता है कि आप इस एक्सिस को देख रहे हैं, मतलब समझिए कि ये इसको मैंने ऐसे पलट दिया, अब ये कैसा बन जाएगा, अगर मैंने इसको ऐसे पलट दिया तो कैसा सेक्शन बनेगा, किस टाइप का सेक्शन बन जाएगा। देखिए ये इस टाइप का सेक्शन बन जाता है, समझे ना, इस टाइप का सेक्शन बन जाता है। ये 100 × 50 है, ये 100 × 50 है, ये 250 × 10 है। ठीक है, इस टाइप का करके, और ये तो आपका वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस करके अब मैं इसको ऐसे फाइंड आउट करूंगा तो आपको इजीली आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा कि क्या मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने ये वाई एक्सिस है, मैंने इसको ऐसे कर दिया, अब ऐसे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब एज्यूम कर लेने का इस टाइप का सेक्शन बन रहा है। देखो अभी इसको ऐसे कर दिया जाए तो ऐसा ही बनेगा सेक्शन। ठीक है, अभी इस सेक्शन का आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मैं ये दिखाते जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिगर अवेलेबल ही है। ठीक है, कैसे करना हो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आई जब वाई वाई फाइंड आउट कर रहे हैं तो सभी सेक्शन के सभी पार्ट के लिए आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 प्लस आई वाई वाई 3, हमें ये तीनों का मिल जाए वैल्यू तो उसे ऐड कर देंगे तो मुझे इस सेक्शन का अबाउट वाई एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसका फाइंड आउट कर लेते हैं आई वाई वाई 1।
ठीक है। अब देखो इस सेक्शन के लिए मैं देख रहा हूं वन पार्ट है ना, अभी इसको ऐसे देखो तो ये बी होगा और ये डी होगा, समझ में ये बी हो, अभी मैं ऐसे देख रहा हूं तो ये विड्थ होगा, ये ऐसे वाला विड्थ होता है और ऐसे वाला डेप्थ होता है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, आई जी वन प्लस ए वन एच वन स्क्वायर, यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है हमारे पास कि अगर कंपोजिट सेक्शन हो तो किसी एक सेक्शन की किसी कंपोजिट सेक्शन के एक सेक्शन में फाइंड करते हैं तो ऐसे फॉर्मूले होते हैं। अगर कंपोजिट नहीं है डायरेक्ट कोई रेक्टेंगुलर है तो उसका डायरेक्टली यही होता है फॉर्मूला, आई जी पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए कर रहे हैं, तो अगर ये इसके अबाउट में तो ये विड्थ होगा और ये डेप्थ होगा, तो ये बी होगा और ये डेप्थ, मतलब यहाँ 15 विड्थ और डेप्थ कितना हो रहा है 100 क्यू अपन 12 इसके लिए हो गया, प्लस एरिया वही होगा 15 × 100 कर दो, ये मिल गया। अभी एच, एच मतलब ये जो हमारा एक्सिस है और इसका हाफ, देखो सेम ही प्लेस पे आ रहा, मतलब एच क्या हो जाएगा मेरा जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये मेरा इसका डर यहां से चाहिए ना, ये मुझे इसका हाफ यहीं पर आ रहा है और ये एक्सिस भी यहीं पे है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हुआ जीरो हुआ, तो ये वाला पार्ट तो मेरा पूरा जीरो हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। क्या है 15 × 100 क्यूब इक्वल डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 1 × 5 = 4 mm^4। अभी इसको 6 में कर लो 1 × 3 = 4 × 5 = 6 1.25 × 10^6 mm^4, ठीक है। अब इसके लिए देखो इस पार्ट के लिए भी वही सेम होगा, देखो ये 10 और ये 15 और ये 100, 15 × 100 = 12 डिस्टेंस जब ये लोगे एज तो वो जीरो ही हो जाएगा यहाँ के लिए भी। तो सिंपली आपको मिल जा रहा है कि ये जो आई वाई वाई वन है वही आई वाई वाई थ्री है, कितना है 1.25 × 10^6 mm^4। अब मुझे चाहिए आई वाई वाई टू, ये कितना आ रहा है, तो इसके लिए क्या करते हैं वही आई जी टू प्लस ए टू एच टू स्क्वायर, वही आई जी टू। अब देखो यहां से इस तरह से देखोगे तो ये बी होगा और ये डेप्थ होगा, तो बी कितना है 250 × डेप्थ कितना है ये वाला 10 का क्यूब अपॉन 12 ये मिला, प्लस एरिया क्या है इसका वही 250 × 10 लेंथ इनटू विड्थ करें तो, एंड एच क्या होगा, एच का वही देखो ये है और इसका हाफ वही आएगा उसी जगह पे आ रहा, मतलब ये जीरो ही है, ये वाला पोर्शन तो पूरा जीरो ही हो गया, जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन किसी से भी करें तो वैल्यू क्या हो जाती है ये जीरो हो जाती है। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करने पे कितना आ रहा है हमारा वैल्यू 250 × 10³ = 12 कितना आ रहा है, तो हमने लिख लेना 208.33 आ रहा है। अभी इसको अगर मुझे 10^6 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कितना 1, 2, 3, 4, 5 एक जीरो भी लगाने पड़ जाएंगे 0.02 × 10^6 mm^4। अब इसको और इसको ऐड कर दो, देखो आई वाई वाई इक्वल टू क्या है आई वाई वाई वन प्लस आई वाई वाई टू प्लस आई वाई वाई थ्री। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1.25 × 10^6 प्लस इसका 0.02 × 10^6 इंटू प्लस इसकी वैल्यू 1.25 × 10^6 क्योंकि ये दोनों सेम है। अब इनको ऐड कर लेंगे, देखो 1.25 + 0.02 + 1.25 कितना आ रहा है 2.52 × 10^6 mm^4 ये आपका आई वाई वाई आ रहा है। अभी देखो आई एक्स एक्स हमने जो फाइंड आउट किया था वो 65 के अप्रोक्सीमेट इंटू 10^6 के फॉर्म में आ रहा था, इसका कितना आ रहा है 2.52, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में मेरा ये एक्सेस के अबाउट में जो सेक्शन है वो काफी ज्यादा है, उसकी मोमेंट ऑफ एनर्जी अब काफी ज्यादा है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो ये सेक्शन में अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो काफी ज्यादा इसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी होगी। आप रेलवे के जो ब्रिज बनाए जाते हैं उसके जो सपोर्टिंग के लिए जो बीम प्रोवाइड किया जाता है वहां पे आप अगर जाके देखेंगे तो वहां पर भी आपको आई सेक्शन ही मिलेगा और इस टाइप का सेक्शन मिलेगा, ठीक है।
वो एक्स एक्स के अबाउट में ही वो मिलेगा, तो वो इसलिए प्रोवाइड किया जाता है। ये सब अगर आपके पास कैलकुलेशन होते हैं तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे अगर कोई भी फील्ड पे ये सेक्शन टाइप के ये प्रोवाइड करने हैं तो मुझे कैसे प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब ये सेक्शन है जो मतलब बीम ऐसे है, ठीक है, बीम को अगर काट दिया जाए बीच में से तो जो हमें दिखाई देता है वो सेक्शन होता है, वही यहाँ पे मैंने ये रखा है। अब ये कैसे है, ये पूरा ऐसे लंबा है, ये पूरा ऐसे लंबा है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से ये ऐसे लंबे है, ठीक है, यहाँ से ये ऐसे है पूरे, मतलब इस टाइप में ये पूरा है, सेक्शन हमें सिर्फ दिखाई देता है। ठीक है, ये सेक्शन जैसे रेल की पटरी होती है उसको ऐसे काट दिया जाए तो मुझे ऐसे क्या दिखता है, तो उसे बोला जाता है सेक्शन। ठीक है, तो ये सेक्शन व्यू है, ये जो दिख रहा है आपको वो सेक्शन व्यू है। और इस तरीके से हमें पूरा का पूरा ए टू जेड आई एक्सएस हो चाहे आई वाई वाई हो, ये इस तरीके से मुझे ये पूरा फाइंड आउट हो जाता है। इस तरीके से मुझे ये भी पता चल जाता है कि किस टाइप के सेक्शन को प्रोवाइड करने पे मुझे ज्यादा से ज्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये वीडियो को देखना है, आपने एक बार देखो, जो भी पॉइंट है उसको लिखते जाओ, अगर उस टाइम पे नहीं समझ में आता है तो जब लिखे हो तो उसके बाद वीडियो को देखो कंटिन्यूअस, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आते जाएगा। ठीक है, वैसे तो वीडियो को स्लो में ही बनाया है, आप देखते देखते भी समझ में आ जाएगा, तो आपने देखना है। और इस तरीके से कोई भी टाइप के सेक्शन हो चाहे एल सेक्शन हो चाहे एंगल सेक्शन, कोई एल सेक्शन बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाते हैं कि आई एस ए एंगल, ठीक है, 100 × 100 × 10 mm, इसका मीनिंग होता है कि वो एल सेक्शन होता है और दो जो लेग्स है एल में वो 100 × 100 है, उनका जो थिकनेस है वो 10 mm है। तो इस तरीके से आपने ट्राई करना है डिफरेंट, चाहे आई सेक्शन हो चाहे आपका ट्रायंगल सेक्शन हो चाहे डिफरेंट कोई भी टाइप का सेक्शन हो, वो आपने देखना है। ठीक है, और इस प्रकार से इस तरीके से कैलकुलेशन करने हैं और अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है, और अपने आप को बेटर बनाते जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।